पॉपुलेशन लेवल को अगर हम डिफ़ाइन करें तो आपको इसको डिफ़ाइन इस तरह से कर सकते हैं कि सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म्स अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन कौन बना रहा होता है? सिमिलर टाइप ऑफ इंडिविजुअल, यानी मैं कहता हूँ एक इकोसिस्टम है, एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप्स के इंडिविजुअल्स, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इस इकोसिस्टम के अंदर लाइन रह रहे हैं, इसके अंदर ह्यूमन रह रहे हैं, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे और डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। तो सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पॉपुलेशन का। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ इस इकोसिस्टम के अंदर लाइन की इतनी पॉपुलेशन है, ह्यूमन की ये पॉपुलेशन है। तो क्या हुआ, इंडिविजुअल मिलके क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन। तो अगर हम पॉपुलेशन लेवल को डिफाइन करें, अ पॉपुलेशन इज डिफाइन एज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशी। स्पीशी क्या होता है? बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए हम एक स्पीशी का वर्ड यूज़ करते हैं। सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन सेम टाइम, यानी ये एक स्पेसिफिक जगह है, इस स्पेसिफिक जगह पे लाइन की जो स्पीशीज है ना वो क्या बना रही होती हैं? पॉपुलेशन, लाइन की एक पॉपुलेशन बना रही होती हैं। इसी तरह से ह्यूमन की स्पीशीज हम क्या कहते हैं, ये उसकी पॉपुलेशन है। तो सिमिलर काइंड ऑफ स्पीशीज मिलके क्या बनाती हैं? एक पॉपुलेशन बनाती हैं, पॉपुलेशन लेवल बनाती हैं। आप पॉपुलेशन लेवल इज डिफाइन एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। इसको आप सिंपल वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं कि किसी मखसूस जगह के अंदर, एक मखसूस जगह के अंदर जो सिमिलर काइंड ऑफ स्पीशीज रह रही होती हैं किसी एक स्पेसिफिक टाइम में, वो वहाँ की क्या बना रही होती हैं? पॉपुलेशन बना रही होती हैं। जैसे हमने पिछले एग्जांपल के अंदर देखा, इस बॉक्स के अंदर देखा था हमने कि यहाँ पे ह्यूमन की भी स्पीशीज रह रही हैं, ह्यूमन की भी स्पीशीज रह रही है, इसके बाद लाइन भी रह रही है, ठीक है। तो ह्यूमन की जितनी भी स्पीशीज हैं वो क्या बना रही हैं? एक पॉपुलेशन बना रही हैं। लाइन की जो हैं वो क्या बना रही हैं? एक पॉपुलेशन बना रही हैं। इन पॉपुलेशन लेवल इंटरेक्शन अमंग मेंबर ऑफ द सेम स्पीशी स्टडीज। एक पॉपुलेशन लेवल के अंदर क्या किया जाता है? सिमिलर स्पीशीज़ के दरमियान इंटरेक्शन को स्टडी किया जाता है। इंडिविजुअल लेवल में पीछे जो हमने देखा था उसको स्पीशी लेवल भी आप कह सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल के अंदर क्या होता है कि हम एक इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं, लेकिन पॉपुलेशन लेवल में हम उस इंडिविजुअल को या उस स्पीशी का, उस जैसे स्पीशी के साथ इंटरेक्शन स्टडी करते हैं। लाइन किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सारा हम किस में स्टडी करते हैं? पॉपुलेशन लेवल में। इन पॉपुलेशन लेवल इंटरेक्शन अमंग मेंबर ऑफ सेम स्पीशी स्टडीज। इसके बाद यहाँ पे जो हमने स्पीशी का वर्ड यूज़ किया, अगर हम उसको डिफाइन करें, अ स्पीशी इज डिफाइन एज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। यानी अगर हम एक स्पीशी को डिफाइन करें, लाइन की स्पीशी को, तो वो कोई स्पेसिफिक एक ऑर्गेनिज्म जो फ्रीली इंटरप्रेट कर सके और प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, उसे हम क्या कहते हैं, यानी फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग जिनके अंदर ये एबिलिटी हो कि इनको नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकें, ये क्या बनाती है? एक स्पीशी। या सिंपल वर्ड में ये स्पीशी को हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं। तो इस स्पीशी के लिए हम एक इंडिविजुअल, एक स्पीशी के लिए हम इंडिविजुअल का भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर एक ऑर्गेनिज्म का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे पॉपुलेशन, ये जब हम इकोसिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करते हैं तो फिर हम किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को डिफ़ाइन करने के लिए हम स्पीशी का वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे लाइन की स्पीशी, ह्यूमन स्पीशी, ठीक है। किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल को डिफ़ाइन करने के लिए, ऑर्गेनिज्म को डिफ़ाइन करने के लिए हम स्पीशी का वर्ड यूज़ करते हैं। तो एक जैसी स्पीशी मिलकर क्या बनाती हैं? एक पॉपुलेशन बनाती हैं। इसके बाद पॉपुलेशन के बाद नेक्स्ट लेवल आता है कम्युनिटी लेवल, उसको फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे।